हेलो स्टूडेंट्स, तो अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 जो कि इलेक्ट्रिक डायपोल से रिलेटेड है ना। इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण से हम लोग जो पोटेंशियल फाइंड करते हैं उसी फॉर्मूले से रिलेटेड ये सवाल है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। कहा गया है शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल हैज अ डायपोल मोमेंट ऑफ 16 × 10⁻⁹ कूलम मीटर। The electric potential due to the dipole at a point at a distance of 0.6 meter from the center of dipole situated on a line making an angle of 60 degree with the dipole axis। ठीक है, तो देखेंगे मैंने यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बनाया है ना, जिसमें मान लेते हैं कि दो चार्ज पार्टिकल्स हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से, है ना। तो यहाँ पर जो है निगेटिव चार्ज है, इधर पॉजिटिव चार्ज है, तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो है वो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। ठीक, और ये जो है डायपोल का जो मिडिल पॉइंट है वो ये है। तो यहाँ से 60 डिग्री के एंगल पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। इस लाइन पर कोई पॉइंट है जहाँ पर हमें पोटेंशियल निकालना है। यहाँ पर आर जो है डिस्टेंस जो है मिड पॉइंट से वो है 0.6 मीटर। ठीक है, तो किसी भी जनरल पॉइंट पर, डायपोल से किसी जनरल पॉइंट पर जब हम लोग पोटेंशियल निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, जहां पर के का वैल्यू होता है 1/4 πε₀, पी डायपोल मोमेंट है और थीटा जो है यहां पर 60 डिग्री दिया गया है, डायपोल मोमेंट और पोजीशन वेक्टर के बीच का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो इन सब की वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1/4 πε₀ जो है इसका वैल्यू क्वेश्चन में देखेंगे यहाँ पर दिया गया है, ये होता है 9 × 10⁻⁹ ऐसा यूनिट में। डायपोल मोमेंट दिया गया है 16 × 10⁻⁹, 16 × 10⁻⁹ इंटू कॉस 60 डिग्री डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर का जो वैल्यू है यहाँ पर 0.6 मीटर दिया गया है, यहाँ देखेंगे आप तो 0.6 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, जब इसको आप सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 200 वोल्ट, है ना। तो अगर ऑप्शन देखें तो जो थर्ड ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन आता है ना, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन 3।